Okay, Jim. Assalamualaikum, Jim. This is your host, Mukami. अच्छा ये असल में रिकॉर्डिंग रूम स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो उनके लिए सब ये जुमला है कि माँ मेरा एहसान अरे नादान कि मैं क्लास को अपलोड कर रहा हूँ. ये वो रिकॉर्डिंग उन स्टूडेंट के लिए है जो फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर सकते. सही है जी, बल्कि आप लोग भी घर जाकर भी इस लेक्चर को दोबारा देख सकेंगे. आपकी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ये लिंक अपलोड कर दिया जाएगा. सही है जी स्टूडेंट. चलो ये बताओ, कल जो हमने पढ़ा था बताएं, कल हमने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े थे. ये बताएं बेंजीन में कौन से रिएक्शन होते हैं? होते तो बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन कल जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो कौन सा था? लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अच्छा इसमें कल हमने तकरीबन कुल मिलाकर चार एग्जांपल्स पढ़े. यस सर, सारों को याद है? यस सर. मेरी तरफ देखो बच्चों, मेरी तरफ देखो, कंसंट्रेट मी. पहला पॉसिबल रिएक्शन हमने पढ़ा था रिएक्शन, दूसरा नाइट्राइजेशन, तीसरा और चौथा राइट स्टूडेंट. अब अगर हम डिस्कस करें reactions of benzene में, तो मैं आपको दोबारा याद करता हूं कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी. सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? हैलोजनेशन. दूसरा बताएं नाइट्रेशन. तीसरा बताएं सल्फोनेशन. एंड चौथा हमने क्या पढ़ा था? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. अच्छा इसमें बातें थोड़ी सी रहती है, लेकिन पहले आप मुझे बताएं व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. Hydrogen is replaced by alkyl in the presence of Lewis acid. याद है आपको? अच्छा ये बताओ Lewis acid किसे कहते हैं? Electron pair acceptor. सर रिपीट करो. कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. हैलोजनेशन में हमने रिप्लेस किया था हैलोजन के साथ हैलोजन. हाइड्रेशन में रिप्लेस किया था हाइड्रोक्लोरो के साथ. सल्फोनेशन में रिप्लेस किया था सल्फोनिक क्लोरो के साथ. और अल्काइलेशन में रिप्लेस करेंगे अल्काइल. लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि तुम अगर अल्काइलेशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो बेंजीन में अल्काइलेशन करने के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? अल्काइल. ये बात याद रखनी है, आपने बेंजीन को रिएक्ट करना होगा किस चीज के साथ? लेकिन आपने ये रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड. तो आप लिविस एसिड का इस्तेमाल करेंगे AlCl3 या FeCl. एवरीवन क्लियर? क्या इससे बनने वाला प्रोडक्ट आप बता सकते हैं? जी मुझे बताएं, यहाँ पे क्या लगा था? R और प्लस H. इसका नाम था बेंजीन और इसका नाम था अल्काइल बेंजीन. मानते हो सारे? अच्छा ये बताओ, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की जगह पे एक खास अल्काइल हैलाइड ले लूं, खास का मतलब ये है कि R की जगह पे मैं क्या ले लूं? CH3. और X की जगह पे क्या ले लूं? क्लोरीन. जी किसकी मौजूदगी में? AlCl3. क्या आप बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हैं? जल्दी से बताएं क्या होगा? क्लोरो बेंजीन बनेगा? नहीं, यहाँ पे मिथाइल बेंजीन. क्या बनेगा? यानी यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा वो मिथाइल और प्लस क्या बनेगा? इसे मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं. आपने जब इसे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास
जो बेंजीन बन रहा था उसका नाम था मिथाइल बेंजीन। बोले बेटा क्या नाम था? मिथाइल बेंजीन। ये बताएं अगर आप किसी बेंजीन को रिएक्ट करें इथाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या आप इससे बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हैं? बोलो क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। शाबाश, बोलो क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन और प्लस HCl। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल बेंजीन। सारे मानते हो? और अब अगर मुझे ये बताओ कि अब अगर तुम बेंजीन को रिएक्ट करोगे इथाइल क्लोराइड की बजाय प्रोपाइल क्लोराइड, यानी एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, किसकी मौजूदगी में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या बनेगा? इससे हमारे पास बनना चाहिए, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था तो क्या बना था? मिथाइल बेंजीन। इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था इथाइल बेंजीन। और अगर प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए ना, यानी ये बनना चाहिए CH2CH2CH3 और प्लस क्या बनेगा? HCl। यानी आप कह सकते हो कि इससे बनना चाहिए N प्रोपाइल बेंजीन। सारे इसका नाम पढ़ो क्या बनता है? N प्रोपाइल। बट स्टूडेंट, बट N प्रोपाइल बेंजीन की बजाय, दिस N प्रोपाइल बेंजीन की बजाय आपके पास यहां पे बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम पढ़ो क्या चीज है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ये है कि अगर आप, सबसे पहले ड्रॉबैक ये है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन प्रोपाइल बेंजीन, If you are interested in N-propyl benzene, तो N-propyl benzene के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज बन जाता है? Isopropyl benzene बन जाता है। So this is the first drawback of the Friedel-Crafts alkylation। यानी अगर मैं इसको heading में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे heading आप ले सकते हो कि branching occurs। क्या चीज हो जाता है? Branching हो जाता है। यानी आप interested हो किस चीज में? जल्दी से मुझे बताओ। N-propyl benzene है। लेकिन हमारे पास एन प्रोपाइल बेंजीन के बजाय क्या बन जाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू आर माय चूज। सो इफ समवन आस्क कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, यू हैव टू से कि जब आप रिएक्शन करोगे क्या करोगे? रिएक्शन। और आप बेंजीन को रिएक्ट कराओगे किस चीज के साथ? एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। बोलो किसके साथ? एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। तो हमारे ख्याल में क्या बनना चाहिए? एन प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन एन प्रोपाइल बेंजीन के साथ साथ क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यानी हम अपना डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा द सेकंड ड्रॉबैक, दैट वन इज अ पॉली सब्स्टिट्यूशन। बोलो बेटा क्या चीज है? पॉली सब्स्टिट्यूशन। सभी मेरे सवाल का जवाब तुम दे सकते हो। बताओ व्हाट इज दिस? What is this? What is this? Aluminium chloride, Lewis acid. क्या बनना चाहिए? बोले 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 बोले। मिथाइल बेंजीन। ये बनना चाहिए ना? लेकिन स्टूडेंट, ये मिथाइल बेंजीन फर्दर हिट कर लेता है मिथाइल क्लोराइड के साथ, और मिथाइल बेंजीन के साथ साथ हमारे पास डाइमिथाइल बेंजीन भी बन जाता है। बोलो क्या बनेगा? डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम बोलो? मिथाइल बेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल बेंजीन। दिस इज द ड्रॉबैक। और हो सकता है डाइमिथाइल बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे क्या बने? ट्राइमिथाइल बेंजीन भी बन जाए। सो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो? तुम्हें क्या चाहिए? मिथाइल बेंजीन। तुम लोग बेंजीन को रिएक्शन करोगे किस चीज के साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ। लेकिन मिथाइल बेंजीन के साथ साथ क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल बेंजीन। इसे कहते हैं साइड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? बल्कि साइड रिएक्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? जो प्रोडक्ट बनता है
वो दोबारा रिएक्शन करके एक इनादर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। असल में मिथाइल बेंजीन बनता है, लेकिन कुछ मिथाइल बेंजीन दोबारा मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, डाइमिथाइल बेंजीन बना देता है। तो ये आप अपना जो मिसाल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। जरा दोबारा मुझे बताएं व्हाट इज फ्रेडर क्रॉप एम्पिरिकल, बिल्कुल माइक को रिलैक्स करते हैं। ये तो देखो पहले बताओ व्हाट इज फ्रेडर क्रॉप मिथाइलेशन में, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा पहले बताओ फ्रेडर क्रॉप एल्काइलेशन के लिए तुम बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करोगे, ये चीज अपने दिमाग में डालो। राइट स्टूडेंट, बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करोगे, राइट स्टूडेंट, तो अल्काइल बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड लोगे तो क्या बनना चाहिए, मिथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड लोगे मिथाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल क्लोराइड लोगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडर क्रॉप एल्काइलेशन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो फॉर्म, सॉरी रिपीट करो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो फॉर्म, राइट स्टूडेंट। व्हाट इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडर क्रॉप एल्काइलेशन, मतलब तुम चाहते हो मिथाइल बेंजीन बने, लेकिन मिथाइल बेंजीन के साथ साथ क्या बन जाता है, डाइमिथाइल बेंजीन और ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाता है। एवरीवन क्लियर, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द फ्रेडर क्रॉप एल्काइलेशन। एवरीवन क्लियर, एक दफा भी तुम देख कर बोलो what is fredel kraft alkylation, hydrogen is replaced by alkyl in the presence of yes। ab dekho isi se milta julta dobara, maine tumse kyun kaha ki isko dobara padho, because isi se milta julta panchwa reaction hai and that one is the fredel kraft acylation। sir iska naam padho kya cheez hai, fredel kraft acylation। अच्छा व्हाट इज फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, एक मिनट, अगर अकलमंद हो तो जवाब दे सकते हो, बोलो फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन क्या था, एग्री, इसको डिफाइन करो, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप एसाइल ग्रुप कहते हैं आर सी डबल बॉन्ड। एवरीवन क्लियर, आगे जुमला कंप्लीट करो, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, सो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। अच्छा अब देखिए यहां पे तुमसे क्रिएटिविटी, आई वांट टू बिल्ड क्रिएटिविटी, फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा, बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन किया, यस फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन कर रहे हैं, कोई बता सकता है बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हां इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड, तो बस याद रखना एल्काइलेशन के लिए अल्काइल हैलाइड और एसाइलेशन के लिए एसाइल, राइट स्टूडेंट, किसकी मौजूदगी में, बोलो AlCl3, एवरीवन क्लियर, इससे बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हो, जल्दी से बताओ क्या, यानी C डबल बॉन्ड को और R और प्लस HCl, इसका नाम बताओ एसाइल बेंजीन, और इसे क्या बोलेंगे, फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, एवरीवन क्लियर। अच्छा अभी काम करते हैं, इसका नाम बोलो क्या चीज है, अब इसमें एक स्पेसिफिक लेते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक दिया था, ये क्या था अल्काइल हैलाइड, स्पेसिफिक दिया था, तो अब क्या दिया है, मिथाइल क्लोराइड, अब हम इनकी स्पेसिफिक देते हैं, अब स्पेसिफिक लेने के लिए हम एक काम करेंगे, बेंजीन ले लेंगे, चलो ये बताओ आज की जगह में क्या लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड को CH, एवरीवन क्लियर, किसकी मौजूदगी में, AlCl3, एवरीवन क्लियर, चलो प्रॉडक्ट बताओ, चलिए से बताएं क्या, पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया, अब बताओ क्या, हाँ जी बोलो क्या, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच करता है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या चीज अटैच है, CH3 और प्लस एवरीवन क्लियर। अच्छा ऊपर उसको नाम दिया था एसाइल हैलाइड, लेकिन अब ये स्पेसिफिक हो गया, क्या हो गया है, इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, पॉइंट यू नोट, बोलो क्या चीज है, एसिटाइल क्लोराइड, सो दिस वन इज एसिटाइल और यहां पे क्लोरीन है, तो इसे क्या बोलोगे, क्लोराइड,
उसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, राइट स्टूडेंट, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोल। सारे रिपीट करो, क्या बोलोगे? एसिटोफिनोल, एवरीवन क्लियर? एंड दैट रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रेडल ग्राफ एसिलेशन। इस एसिटाइल क्लोराइड का जो नाम है, एक और भी नाम है, इसे बोलते हैं इथेनॉल क्लोराइड। पॉइंट टू बी, क्या बोलते हैं? आगे डिस्कस करेंगे इसका नाम, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखें इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। मुझे इसका क्या बताना है? मैकेनिज्म बताओगे? स्टेप नंबर वन, अच्छा, स्टेप नंबर वन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैन यू जनरेट इलेक्ट्रॉन? कर सकते हैं? चलो बताओ क्या करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम के साथ कॉन्टेक्ट पर इलेक्ट्रॉन बनाए, इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा बताओ, क्या बने? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, anyhow, चलो छोड़ो, anyone, clear, बताओ ये क्या चीज क्रिएट हो गया? This is the step number one, and that one is the generation of electrophile. What will be the step number two? Step number two is the attack of electrophile. इसे क्या करूँ? बेंजीन लिखूँ और फिर electrophile. अच्छा, electrophile को लिखने का तरीका, एक मिनट बोल लेता हूँ। पहले मैं आपको कहा था कि बेंजीन को आप डबल बॉन्ड कहाँ पे ड्रॉ करोगे? फ्रेंड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल लिखोगे? आप इलेक्ट्रोफाइल अगर लिख रहे हो तो बताओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री पॉजिटिव, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड पे मिथाइल है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के राइट हैंड साइड पे मिथाइल ग्रुप होगा। व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिए जाएंगे? कार्बन। एवरीवन क्लियर? तो अब बताओ यहाँ पे हमारे पास द डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, एंड दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, और ये बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे। अब मुझे बताओ इसको कौन सा आयन बोलते हैं? कौन सा आयन? अच्छा बताओ व्हाट हैपेंड इन द स्टेप नंबर 3, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वेयर इज द न्यूक्लियोफाइल? जल्दी से मुझे बताओ, ये क्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अच्छा मैं दोबारा लिखता हूं, सबसे पहले लेता हूं फिनोनियम आयन। कौन सा आयन? फिनोनियम आयन, ये पॉजिटिव सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, इस कार्बन के साथ ऑलरेडी क्या चल रहा है? हाइड्रोजन। तो यू वांट क्लियर? तो स्टूडेंट Cl नेगेटिव आता है, Cl नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। तो अब बताएं हमारे पास क्या बनेगा? तो लुक एट हियर, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पे C डबल बॉन्ड O और CH3, और प्लस क्या बनेगा? HCl। सो आपको क्लियर है? कितने स्टेप पे कंप्लीट किया? Everyone clear? Yes. And this reaction is called as Fredel Graf acylation. What is Fredel Graf acylation? What is it? चलो, अब आप मुझे बताओ। What is this? CH3, CH2, C double bond O, Br. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल, तुम्हारे पास एक मिनट है, प्रोडक्ट बताओ। सारे अपनी कॉपी पे से प्रोडक्ट बनाओ। शाबाश, बहुत आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको आपकी गलती आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, जो आप गलती कर सकते हो।
जी बता गया जी बताएं क्या बनेगा बेंजीन ड्रॉ कर लो एवरीवन क्लियर आगे बोलो कौन सा करो सी डबल बॉन्ड ओ थ्री सी एच टू और सी एच और प्लस एक्स देन वन इज द एच पी एवरीवन क्लियर सो दिस वन इज द फ्रेडल क्राफ्ट कैसाइजेशन बट स्टूडेंट ओके चलो अब ये देखो व्हाट इज दिस बेंजीन कोई बता सकता है Cl2 FeCl3 बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हैं बोलो 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 क्लोरोबेंजीन बनेगा क्लोरोबेंजीन और प्लस HCl इस रिएक्शन को आपने नाम क्या दिया था हैलोजनेशन याद है आप लोग यही बेंजीन है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड याद है आपको टेम्परेचर को कुछ याद है कितना था 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या इससे बनने वाला प्रोडक्ट बना सकते हो सारे बोलो नाइट्रो बेंजीन और प्लस का चीज था H2 अभी बात क्लियर यही बेंजीन था आपने इसे रिएक्ट किया था H2SO4 मैंने इस पे लिखा था फ्यूम याद आया तुम्हें क्या इससे बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हो बोलो सारे बोलो यार बेंजीन सल्फोनिक SO3H और प्लस H2 क्या लाया आपको अच्छा ये बताओ यही बेंजीन है रिएक्ट कर रहा हूँ CH3Cl किसकी मौजूदगी में AlCl3 क्या बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हो बोलो मिथाइल बेंजीन और मिथाइल बेंजीन को हम लोग टॉलुइन भी बोल सकते हैं और प्लस HCl एवरीवन क्लियर अच्छा अब बताओ ये बेंजीन है लेकिन हम एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं बोलो क्या ले लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड किसकी मौजूदगी में AlCl3 क्या इससे बनने वाला रिएक्शन और इससे वाला बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हो बोलो एसिटाइल बेंजीन बोलो क्या चीज होगा एसिटाइल बेंजीन सिंगल बॉन्ड ओ CH3 प्लस HCl इसको आपने हैलोजनेशन बोला था बताओ इस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे हाइड्रेशन बोलो हाइड्रेशन इस वाले रिएक्शन को सल्फोनेशन इस वाले रिएक्शन को फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एवरीवन क्लियर इसको बोलो फ्रेडल क्राफ्ट और ये सारे रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवा है दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा इनमें आने वाले सवाल में सबसे पहला हैलोजनेशन में ये बताएं कि जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा क्या क्रिएट होगा इलेक्ट्रोफाइल वो क्या होगा Cl ये हमने क्या पढ़ा था नाइट्रेशन क्या इसमें इलेक्ट्रोफाइल बता सकते हैं NO2 पॉजिटिव ये हमारे पास इनमें क्या है इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन याद है बोलो क्या होगा SO3 ये इसमें क्या चीज है इलेक्ट्रोफाइल एवरीवन क्लियर अच्छा मुझे बताओ ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है इसमें बताओ CH3 पॉजिटिव फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन है इसमें बताओ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ये इनमें क्या चीज है इलेक्ट्रोफाइल राइट स्टूडेंट कैन यू प्रिपेयर टॉल्वी हाउ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन राइट स्टूडेंट कैन यू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन हाउ बाय नाइट्रोबेंजीन राइट स्टूडेंट कैन यू प्रिपेयर बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाउ बाय सल्फोनेशन Can you prepare acid of phenol? Yes, sir. कैसे? Everyone clear? ये उस कल और आज जितना भी पढ़ा उसकी summary है students. Everyone clear? और वाज़े रहे
ये जो मैंने आपको समझी बनाई है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। बोलो किसकी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज स्टूडेंट दोबारा याद करके बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Now, I move onward towards the second possible reaction which may take place in the benzene fumes. The second possible reaction, that one is the addition reaction. Sorry, what is the addition reaction? Benzene mein addition reaction bhi hota hai. Isme agar aap dekhe, should look at here. Should I? Sanamula? Look at me. खबर है जिस तरह की याद करो ये बात हमने पढ़ी थी, इफ आई रिएक्ट देम विद द हाइड्रोजन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डबल सिंगल और डबल ये ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। बोलो क्या नाम है? एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली एडिशन रिएक्शन। तो ये बताओ ये कंपाउंड क्या है? लेकिन इससे पहले जो रिएक्शन पड़े हैं ऊपर वाला एडिशन, नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन।
is responsible for that? जब कैचरिस्ट अगर आप एफिशिएंट थ्री करोगे तो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन अगर सनलाइट में करोगे तो कंसंट्रेशन होगा। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द पास्ट पेपर सो मेनी टाइम्स, ये गलती मत याद रखना, मेरा काम है आपको बताना और आप रखना है इसको याद रखना। सो एवरीवन क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनेगा? हेक्साक्लोरोसाइक्लिन। तो मेरी किताब में भी लिखा हुआ है कि दिस इज आल्सो कार्बन गैस हेक्साक्लोरोबेंजीन। बोलो क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे सच्ची है तो बेंजीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बताओ ये बना किससे है? उसके रेफरेंस को आप नाम दे सकते हो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हेक्साक्लोरोबेंजीन। बट एक्चुअली इट इज हेक्साक्लोरोसाइक्लिन। सो वी वांट क्लियर? सो दिस इज द थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर। एवरीवन क्लियर? सो दिस इज वाज इट हिट योर कंसंट्रेशन क्लियर हो गया? यस। The third possible reaction, if you remember, so that one is the oxidation reaction. Okay. Everyone stop writing up. अब बात थोड़ी सी हसास के लिए जा रही है। ये बात आपके लिए important है। माइक को बिल्कुल less करो ना। बच्चों, कौन सा reaction क्या है? Oxidation. Oxidation के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वो फोर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ याद आया आपको? ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लुक एट इट, व्हाट इज दिस? What is this? N4 plus H2O4. What is this? Are you observing something? Yes. Huh? Yes. What are you observing? Yes. Benzene cannot be oxidized by K MnO4 and sulfuric acid. याद करो कि MnO4 और sulfuric acid को एक और भी नाम देते हैं। Behr's reagent। कुछ याद आया? वो क्या बोलते हैं? Benzene Behr's reagent के साथ reaction नहीं कर सकता। पर benzene की जगह पे अगर आप ले लो toluene, बोलो बेंजीन की जगह पे क्या ले रहे हो? और इसको अब रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ? KMnO4 एंड H2SO4। यहां पे भी बेंजीन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, लेकिन बेंजीन के साइड पोर्शन पे ऑक्सीडेशन होगी। एंड दिस CH3 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस CH3 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट स्टूडेंट? और इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या चीज है? बेंजोइक एसिड। बोलो क्या चीज है? Right, students? Everyone clear? Yes. So, student, benzene cannot be oxidized by KMnO4. But toluene can be oxidized by KMnO4 and sulfuric acid. इस पे क्वेश्चन बताओ कैसे आ सकता है? Yes. मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि KMnO4 और sulfuric acid को एक और भी नाम देते हैं। हाँ? Which can give Behr's test? बताओ कौन सा Behr's test दे सकता है? बेंजीन और toluene। जल्दी से सारे बताओ, जल्दी बताओ। So are you observing something? Toluene Behr's test देता है, लेकिन बेंजीन Behr test नहीं देता। What is the chemical test which is used to differentiate between benzene and toluene? Behr's test unsaturation के लिए। Yes sir. Behr's test किसके लिए है? Unsaturation मतलब क्या? Pyrone। क्या मतलब? Pyrone। But Behr test can also be used to differentiate between benzene and toluene। याद रहेगा? तो आपने पास नोट कर लेना कि Behr's test की uses क्या है, जल्दी से बताओ। Behr's test पहला हमारे पास किसके लिए है? Unsaturation। ये तो सारों को पता है। और दूसरा याद रखो, it is used to differentiate, सारे बोलो to differentiate between benzene and toluene। Everyone clear? Yes. Oh, boy, everyone clear? Yes. But again, question, guys. Telecom में
तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है? अभी तक के लेक्चर को क्या समझोगे? नहीं बोल रहा ना, लेकिन बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन हमें सिर्फ किसको चेंज करना होगा? अगर तुम किसी बेंजीन को रिएक्ट करो वेनेडियम पेंटोक्साइड के साथ, इसे साथ रिएक्ट करोगे वेनेडियम पेंटोक्साइड के साथ, एवरीवन से तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनेगा दिस कंपाउंड एन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड को देखो, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। सारे कोड क्या चीज है? सो आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग? फर्स्ट बेंजीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। बेंजीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय होम? वेनेडियम पेंटोक्साइड। और बेंजीन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप एनडीएम के एंड में पेयर हो गए तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रहेगा ब्रो? बताओ बेंजीन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड। एवरीवन क्लियर? And benzene can be oxidized by vanadium pentoxide. इसकी oxidation किससे हो सकती है? Vanadium pentoxide. Everyone clear? Okay, one more thing. Oxidation. Oxidation. The fourth possible reaction. अच्छा, यहाँ पे हमारे वीडियो को फेडरल बोर्ड वाले भी देखे होंगे। फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, How can you convert benzene into benzoic acid? Question for the acid? How can you convert benzene into benzoic acid? क्या benzene को benzoic acid में convert कर सकते हैं? नहीं, convert तो कर सकते हैं यार। सोचो, पहले benzene से क्या बनाएंगे? टॉलुइन। फिर उस टॉलुइन की क्या करेंगे? अच्छा, कोई बता सकता है बेंजीन से टॉलुइन कैसे बना सकता है? तो आप सबसे पहले बेंजीन को कन्वर्ट करोगे किस चीज को? टॉलुइन। और फिर टॉलुइन को आप कन्वर्ट करोगे किस चीज में? बेंजोइक। बोलो किस चीज में? बेंजोइक। Everyone clear? So first benzene is converted into toluene and toluene is converted into benzoic acid. Everyone clear? Everyone clear? Yes sir. Okay, so कितने reactions हमने पढ़े benzene में? Overall 3 times. पहला बोलो substitution, दूसरा addition, तीसरा चौथा भी ले लो यार, याद करोगे। The fourth one is the combustion. Conciliation? Point you noted. What is this? Sare bolo. Sare bolo. Iski combustion kare. Carbon dioxide aur plus water banega. Lekin ek masla hai. Iske saath saath isse smoke bhi banta hai. Aur ek question hai federal board ka. Benzene is burned with smoky flame. जुमला पढ़ो, क्या कहा मैंने? बेंजीन से बात करना है तो स्मोक। बेंजीन को आग लगाओगे ना तो धुआं बहुत निकलेगा। बेंजीन को आग लगाओगे तो क्या निकलेगा? व्हाई बेंजीन इज बर्न्ड विद अ स्मोकी फ्लेम? ये क्वेश्चन हम कोल के बारे में पढ़ चुके हैं। कोल इज बर्न, कोले को बारबेक्यू करते हो, धुआं निकलता है बिकॉज दे हैव बेंजीन, दे हैव एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन से धुआं क्यों निकलता है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। तुम इसमें अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करो तो वो आएगा 92%। एंड दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इस हाई कार्बन की परसेंटेज से तमाम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला मेरे को देखो, बेंजीन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? सब्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बातें की, एडिशनेशन के बारे में कुछ मतलब समझ आ गया होगा। क्या बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है? यस सर। नो सर। यस यस।
बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है यस बाय वैनेडियम इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय राइट स्टूडेंट यस केवल फोर ऑक्सीडाइज कर सकता है किस चीज को एवरीवन क्लियर सर वो क्लियर हो गया सो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है सेम चैनल पे अपने होस्ट पकार भी को इजाजत दें बेल का आइकन लाइक बेल का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें बंद